जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग। दोस्तों आज है 15 जून 2020 सोमवार का दिन है। विक्रम संवत है 2077, शक संवत 1942, गुजराती संवत 2076। अमांत महीना ज्येष्ठ का है, पूर्णिमांत महीना आषाढ़ का है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, लूनर मास है, चंद्र मास और आज की तिथि है दशमी तिथि, जो अगले दिन यानी कि 16 जून को अर्ली मॉर्निंग 5:40 तक रहने वाली है। नक्षत्र की बात करें तो दोस्तों रेवती नक्षत्र जो है वो अगले दिन सुबह में 3:18 तक रहने वाला है। सौभाग्य योग बन रहा है जो कि दोपहर में 12:49 तक रहने वाला है। दिशाशूल पश्चिम का है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:09 से 1:02 तक रहेगा और अभी चल रहा है उत्तरायण। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अमृत काल जो है लेट नाइट 12:36 से शुरू होकर 2 यानी कि 16 तारीख आ जाएगी तो 2:24 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:48 से 3:40 तक रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:58 से 7:22 तक है। सायं संध्या काल शाम को 7:12 से 8:16 तक रहने वाला है। निशित मुहूर्त लेट नाइट 12:14 से 12:57 तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अशुभ मुहूर्त की, तो राहु काल जो है वो सुबह में 7:38 से 9:17 तक रहने वाला है। गुलेल काल दोपहर में 2:15 से 3:54 तक रहेगा। वहीं यमगण काल सुबह में 10:56 से दोपहर में 12:35 तक रहने वाला है। द्वि मुहूर्त जो है वो दोपहर में 1:02 से 4:33 तक रहेगा। वहीं वर्जित मुहूर्त जो है वो दोपहर में 1:50 से दोपहर में 3:38 तक रहने वाला है और गणमूल तो पूरे दिन ही रहने वाला है। दोस्तों ये तो हो गया आपका 15 जून का पंचांग, लेकिन दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसा सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आके किया वैसा कोई भी ना करें, क्योंकि दोस्तों जिंदगी संघर्ष का नाम है। जिंदगी को इस तरह से खत्म कर देने का अधिकार किसी को नहीं है। हम अपनी जिंदगी की लड़ाई को जो है हार कर छोड़ देते हैं और अपने परिवार वालों को डिप्रेशन में और ज़्यादा तकलीफ में छोड़ देते हैं। उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने जवान बच्चे की मौत का समाचार सुना होगा। उन परिवारजनों और रिश्ते नातेदारों पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों ये जिंदगी मिली है, तकलीफ सभी को हो सकती है, लेकिन उसका संघर्ष करना सामना करना जरूरी है। इस तरह से जिंदगी को हार मानकर छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों अपने रिश्तेदार नातेदारों से आप कांटेक्ट में रहें, बात करते रहें, ताकि कोई भी इंसान डिप्रेशन में आकर ऐसी हरकत ना करे। दोस्तों ये सदमा सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं, सभी के लिए है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक एक्टर है, फेमस एक्टर है, अच्छा अदाकार है, इसलिए नहीं, बल्कि एक इतनी छोटी उम्र में एक इंसान डिप्रेशन में आ जाए तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। आज कोरोना ने किसको टेंशन में नहीं डाल के रखा है। सभी की हालत ख़राब है, सभी के परिवारों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या उसका एक ही सॉल्यूशन है कि वो सुसाइड कर ले? नहीं ना, परिवार की परिजनों की चिंता करना भी सभी का कर्तव्य है, सभी को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। इसलिए दोस्तों अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे से रहिए, समय भी निकल जाएगा, बस साथ रहना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग डिप्रेशन में हैं वो अपने आप को अपने परिवार के साथ महसूस करें और इस लड़ाई को एक साथ लड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।